हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश और इंडिया के बीच में होने वाले थर्ड ODI मैच का। और अगर हम इस सीरीज़ की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि बांग्लादेश जो है वो 2-0 से सीरीज़ जीत लिया है। और बांग्लादेश जो है इकलौता ऐसा टीम बन गया है जो कि कोई भी टीम इसके धरती पर आए सारे सीरीज़ जो है ये जीत चुके हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और ये तीसरे मैच में जो है क्या हो सकता है, किस तरीके से आपको सीनरी जो है देखने को मिलेगा। क्या ये जो है फेज़ है वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए डिक्लाइनिंग फेज़ है, यानी कि अब जो है वो सिनेरियो नहीं रहा है जो कि आज से 3-4 साल 5 साल पहले जो है वो इंडियन टीम की रहती थी, या फिर ऐसा ही होता है कि बस इंडियन टीम जो है वो ऐसे टीमों के साथ डोमिनेट नहीं कर पाती है जो कि थोड़े से वीक टीमें हैं, या फिर जो है जो स्ट्रांग टीमें हैं उनके साथ जो है वो स्ट्रांगली आते हैं। तो क्या सिनेरियो चल रहा है उसको जो हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक जो है आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में बहुत सारे लोग जो है LPL में इन सारे जो 2 ODI मैचेस हुए थे इनमें प्रॉफिट उठा रहे हैं, तो अगर आप जो है प्रॉफिट उठाना चाहते हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर आप जुड़ सकते हो। और साथ में आप कॉल पर भी सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ जाना, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो और एक बहुत अच्छे तरीके से जो प्रॉफिट उठाने की जर्नी है ये जो है आप शुरुआत कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये जो है थर्ड ODI मैचेज होने वाला है और ये खेला जाएगा सैटरडे को यानी 10 दिसंबर को। टाइमिंग जो होगा होगा 11:30 इंडियन नेशनल टाइमिंग के हिसाब से, और ये जो है आपको ग्राउंड जो है वो चेंज होगा, जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम चट्टोग्राम पे जो है आपको देखने को मिलेगा। अब हम चट्टोग्राम की अगर हम लोग पिच रिपोर्ट की बात करते हैं ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि चट्टोग्राम का जो पिच है वो ढाका का जो पिच था सेम वैसा ही है, लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से जो है आपको ग्राउंड जो है थोड़ा सा छोटा दिखाई जरूर रहता है चट्टोग्राम का। इसलिए आप देखोगे जब BPL यहाँ पे होता है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग जब होता है, तो रन जो है बहुत ज़्यादा बनता है चट्टोग्राम पे। अब अगर हम चट्टोग्राम की बॉलिंग की बात करते हैं, तो चट्टोग्राम की बॉलिंग देखो, जब ये ढाका का जो प्रीमियर लीग होता है, जब BPL होता है यहाँ पे, तो उस हिसाब से जो यहाँ पे ना बहुत बढ़िया से बैटिंग पिच बनाते हैं ये। लेकिन जैसे जैसे जो है जब यहाँ पे आप देखोगे कि जब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, यानी कि कोई भी जो टीम है वो टूर करती है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश जो है बहुत ही चालाकी करता है कि बांग्लादेश जो है बहुत ही बढ़िया सा जो है वो स्पिनर फ्रेंडली पिच बनाता है और अपने हिसाब से जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो ढालते हैं, ऐसी पिचेज जो है ये बनाते हैं। और उस हिसाब से देखोगे तो आपको जो है देखने को मिलेगा कि ऐसे पिचों पर जो है वो कोई भी टीम क्यों ना आती हो। हमने देखा था कि इस ग्राउंड पर, कि पहले आपको याद होगा पिछले साल की अगर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड कप से पहले की एक सीनरी देखोगे, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ही लो रन पे जो है वो हार गया था, इवन 130-160 जो है वो चेस नहीं कर पा रहा था वहाँ पे। उसके अलावा न्यूजीलैंड यहाँ पे आया, न्यूजीलैंड भी जो है वो हार गया था। पाकिस्तान यहाँ पे आया था, पाकिस्तान भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जो है फेस कर रहा था। T20 जो है पाकिस्तान जीत गया, लेकिन ODI में जो है वो मात खा गया था। बस अफगानिस्तान आया था, अफगानिस्तान जो है मात खा गया। जिम्बाब्वे आया था, खैर जिम्बाब्वे तो ऐसे भी एक टीम है, जिम्बाब्वे को जो है बहुत ही बुरी तरीके से जो है इन्होंने हराया था। तो ये सिनेरियो जो है बांग्लादेश में आपको हमेशा देखने को मिलेगा, जिस तरह का जो है वो ग्राउंड है बांग्लादेश में उसको बहुत ही डिफिकल्ट बनाते हैं फॉरेन टीम के लिए। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग इंडिया वाली सीरीज़ की बात करते हैं, तो अगर हम लोग इंडिया के लिहाज से देखेंगे ना, तो ये पिच डिफिकल्ट नहीं था। अगर इंडिया के लिहाज से अगर हम लोग इसको जज करें, जैसे ऑस्ट्रेलियन अगर आते हैं यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी पिच होता है, तो उसके हिसाब से जो है हम लोग कह सकते हैं कि हाँ उनके लिए डिफिकल्ट पिच था, न्यूजीलैंड वालों को डिफिकल्ट पिच था, इंग्लैंड वाले आएंगे उनके लिए डिफिकल्ट पिच था। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐसी टीमें जब यहाँ पर आती है, श्रीलंका को भी इन्होंने हराया था, तो श्रीलंका जैसी टीमें जो है यहाँ पे आती है, तो उनके लिए अगर ये कहा जाए कि ग्राउंड डिफिकल्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे ग्राउंड पे जो है इनको हराना चाहिए था इंडिया को भी। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह का ग्राउंड था वो, उस लिहाज से इंडिया में भी तो स्पिनर बहुत अच्छे अच्छे हैं, इंडिया स्पिन बहुत अच्छे तरीके से खेलता भी है, तो वैसी टीमें कुछ साथ जो है वो कैसे हार सकते हैं, ये जो है सीनरियो जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसमें जो है टोटली डिफिकल्टी आप देखोगे तो ये ग्राउंड का नहीं है, ग्राउंड जो है वो ऐसा ही मिलेगा बांग्लादेश में कभी भी जाओगे तो यहाँ पे जो है टोटल जो आप देखोगे दोष दे सकते हो तो वो है इंडियन टीम को, ब्लेम कर सकते हो। जैसे KL राहुल जो है वो इंडियन टीम के दामाद बन के बैठे हुए हैं पिछले कई मैचों से, विराट कोहली जो है पिछले 10 मैचों से देख लो तो कोई भी जो है स्कोर बड़ा सा नहीं आया है, रोहित शर्मा का भी जो है वही हाल है, विकेट कीपर तो इंडिया में है ही नहीं, विकेट कीपर के तौर पर जो है अगर ऋषभ पंत ODI में अच्छा कर रहे हैं तो खिला लो, ईशान किशन बैठा हुआ है, संजू बैठा हुआ है, और भी बहुत सारे रजत पाटीदार को ले गए वो भी बैठा हुआ है, लेकिन ज़बरदस्ती के विकेट कीपर क्यों बनाना भाई। तो ये सीनरियो जो है आपको देखने को मिलेगा, शिखर धवन का परफॉर्मेंस भी जो है वो ढीला हो गया है, तो सीनरियो जो है बहुत ही ख़राब चल रहा है अभी इंडियन टीम के लिए। और इसके अलावा स्पिनर की बात करते हैं तो स्पिनर की क्वालिटी भी जो है नहीं रही है, इंडिया के फास्ट बॉलर आप देखोगे तो 6 विकेट गिराने के बाद भी जो है वो जो है वहाँ से अगर बात करोगे 100 रन के अंदर जो है 6 विकेट गिरा देते हैं, और अगले 4 विकेट गिराने में जो है ये 200 रन दे देते हैं।
तो बहुत ही जो है क्वालिटी जो है कहोगे तो एक तरह से बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर गया है। तो इसमें जो है बांग्लादेश का कोई जो है कसूर नहीं है, और बांग्लादेश ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था, हमें तारीफ करनी चाहिए कि बांग्लादेश ने जो है वो इंडिया जैसी टीम को हराया है और उनकी रियलिटी जो है वो दिखाया है, और इस बात से जो है हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टोटल इस ग्राउंड की अगर बात करते हैं तो ग्राउंड जो है ये वैसा ही मिलने वाला है, जैसे दोनों ग्राउंड है वैसा ही मिलने वाला है। अगर इंडियन टीम उस ग्राउंड पर डिफिकल्ट कर रही है तो इस पर भी जो है ये डिफिकल्टी फेस करेगी, ये चीज़ें जो है उधर ध्यान में रख लेना। हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रांगली आए लेकिन डिफिकल्टी जो है फेस करेगी। यहाँ पे 23 मैचेज हुआ जिनमें से फर्स्ट बैच जो है वो 8 जीता है और सेकंड बैच जीतकर 15 जीता है। फर्स्ट बैच एवरेज आप देखोगे तो 216 है, जो कि इस ग्राउंड के हिसाब से काफ़ी कम है क्योंकि छोटा ग्राउंड है, और छोटे ग्राउंड के हिसाब से 216 रन का एवरेज होना ओडीआई में जो है वो बहुत ही कम एवरेज दिखाता है, वो भी बहुत ही कम मैचों में। 23 मैचों में सिर्फ 216 का एवरेज होना बहुत ही कम एवरेज है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको देखने मिलेगा कि अगर हम लोग स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं तो 100 से 200 से नीचे जो है 10 स्कोर है, 200 से 250 के बीच में 5 स्कोर है, 250 से 300 के बीच में 6 स्कोर है, और 300 से ऊपर सिर्फ 2 स्कोर है। आप देख सकते हो कि जो स्कोरिंग एरिया है वो मेनली जो है 200 से नीचे बहुत ज़्यादा स्कोर रहता है, और ऐसा इसीलिए होता है कि यहाँ पर जो भी टीमें आती है वो स्पिनर फेस नहीं कर पाती है बहुत ही अच्छे तरीके, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी पिच जो है दिखाई देता है, और बांग्लादेश जो है बहुत ज़्यादा चालाकी करता है जब भी ये होम टूर करवाते हैं किसी भी टीम से, तो पीछे जो है वो बहुत ही खतरनाक बनाते हैं फॉरेन टीम के लिए। इसके अलावा बात करते हैं वेदर फोरकास्ट का, तो जो नॉर्मल है अभी वहीं रहने वाला है, बारिश चांसेस जो है काफ़ी अभी कम है क्योंकि ऐसे भी जो है ठंड का मौसम है। बांग्लादेश की अगर बात करें टॉस जीत जो है पहले बॉलिंग करने की कोशिश करेगा, और अगर बांग्लादेश की तरफ से बात करें तमीम इकबाल जो है लीड करेंगे। इसके अलावा जो है ये सीरीज़ में 2-0 से आगे है, ऑलमोस्ट सीरीज तो जो है वो नहीं कर चुके हैं, इंडिया को क्लीन स्वीप करने के लिए ज़रूर देखेंगे। रोहित शर्मा जो है इंडियन टीम को लीड करेंगे, लास्ट मैच में इंजर्ड हुए थे फिर भी खेले थे, और ज़्यादा चांसेस है कि हो सकता है कि रेस्ट मिल जाए, वैसे भी जो है वो सीरीज हारने का दुख कौन झेलेगा, रेस्ट ले लो भाई। इसके अलावा जो है राहुल त्रिपाठी और रजत परिजार को जो है वो चांसेस मिल सकता है, ईशान किशन भी जो है वो बेचारा बैठा हुआ है, चांसेस इनको मिल नहीं रहा। बांग्लादेश की तरफ से बात करते हैं तो यहाँ पे देखोगे तो आपको जो है बांग्लादेश अगर सीरीज जीत गया तो ऐसा हो सकता है कि शायद तस्कीन अहमद को भी जो है वो एक मौका जरूर देंगे। और यहाँ पर अगर फॉर्म की बात करते हैं तो भाई साहब मेहदी हसन मिराज का फॉर्म तो बहुत ही अच्छा है, इसके अलावा आरिफ हुसैन महमूदुल्लाह का फॉर्म भी जो है काफ़ी अच्छा देखने मिल रहा है। इसके अलावा साकिब की बॉलिंग में जिस तरह का बांग्लादेश का ग्राउंड है उसके हिसाब से बॉलिंग तो बहुत ही जो है फाड़ू बॉलिंग कह सकते हो आप, लेकिन यही चीज़ें देखना जब बाकी जब निकल के आएंगे तो फॉर्म जो है बहुत ही घटिया सा फॉर्म जो है अभी आपको देखने को मिलेगा, ये रियलिटी है। या इसके अलावा बॉलिंग की बात करते हैं मुस्तफ़िज़ का जो है बॉलिंग काफ़ी अच्छा जो है वो देखने को भी मिल रहा है। और इंडियन टीम की बात करते हैं तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ये चेंजेस पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं कि विराट कोहली की धवन जो जगह जो है वो आपको राहुल त्रिपाठी डेब्यू कर सकते हैं, शिखर धवन की जगह जो है रजत भटकर, इसके अलावा विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल तो भाई दामाद बन के बैठा रहेगा ही, इसके अलावा अश्विन रामचंद्र, इसके अलावा जो है आपको अक्षर पटेल, और यहाँ पे जो है आपको देखने मिलेगा शार्दुल ठाकुर की जगह जो है ईशान किशन आ सकते हैं, क्योंकि देखो लास्ट मैच में भी जो है हमने बॉलिंग इतना सारा लिया, 4 बॉलिंग लिया था और कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं 4 बॉलिंग लेने का भी, तो इसके अलावा जो है टोटल 6 बॉलिंग खेले थे, बैटिंग जो है बैट्समैन जो है कम पड़ गए थे, उसमें से जो है वो शर्मा भाई साहब जो है वो इंजर्ड हो गए थे। तो ऐसे सीनरी में अगर हमारे पास एक और बैट्समैन होता, चाहे वो ईशान किशन होते या फिर इनमें से जो है दोनों में से कोई एक होता किसकी जगह, तो शार्दुल की जगह या फिर चहर की जगह या सिराज की जगह या फिर उरमान नहीं खेल रहे थे तो उरमान मलिक की जगह, तो वैसे सीनरी में जो है यहाँ पे जो है हो सकता था कि ये रन जो है वो चेस कर सकते थे, जिस तरह का सीनरी बना था चेस कर सकते थे, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं जो है कमी पड़ गया इस सीनरी में। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिसेंट परफॉर्मेंस का, तो बांग्लादेश जो है रिसेंट परफॉर्मेंस में जो लास्ट दोनों मैचेज जीत चुका है, इंडिया जो है लास्ट दोनों मैचेज जो है वो हार चुका है, और हेड टू हेड का जो टोटल आंकड़ा है वो धीरे धीरे जो है वो अब जा रहा है ऊपर, 38 मैचों में से 7 बांग्लादेश जीत चुका है और जो है आपको 30 इंडिया जीता है, और इस सीजन के जो है वो दोनों के दोनों मैचेज जो है अभी बांग्लादेश जीत चुका है। ड्रीम 11 टीम ओपन होगा तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आप मैसेज नहीं जुड़े होते जो है व्हाट्सअप का नंबर है, साथ में आप कॉन्फिडेंस सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा, जहाँ पे आपको विनर सेशन एंट्री सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाता है, जहाँ से आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट जो है आप उठा सकते हो। चलो देख लेते हैं ड्रीम 11 टीम और फिर करते हैं वीडियो को एंड। तो बात करते हैं अब ड्रीम 11 टीम का, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विकेट कीपर डिपार्टमेंट, तो आप देखोगे विकेट कीपर में जो है किसको पिक करके चलना चाहिए, तो देखो जो अभी फॉर्म में है वो जो है आप देख सकते हो कि केएल राहुल जो है वो ठीक है पॉइंट के हिसाब से। बैटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है रोहित शर्मा अनअवेलेबल जो है अभी दिखा दिया, हम लोग बात कर रहे थे कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो महमूदुल्लाह को जो है पिक कर लो। इसके अलावा जो है श्रेयस अय्यर का फॉर्म काफ़ी अच्छा है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं किसको पिक करना है, तो ऑलराउंडर में साकिब को ले लो, हसन मिराज को ले लो, और इसके अलावा जो है सुंदर का फॉर्म का भी काफ़ी अच्छे चल रहा है। और बॉलिंग की बात करते हैं तो सिराज का फॉर्म जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है, दीपक अनअवेलेबल है, टस्किन अनअवेलेबल है, इसके अलावा जो है आप यहाँ से इबर्ट हुसैन जो है इनको पिक कर सकते हो, इसके अलावा उरमान मलिक को पिक कर सकते हो। और अब आ जाते हैं कि किसको जो है आपको बैटिंग ऑलराउंडर पिक करना है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, तो
तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी भी जो है ये विराट कोहली के ले लो, शिखर धवन का परफॉर्मेंस भी जो है काफ़ी अभी ख़राब रहा है। तो अभी के हिसाब से अगर देखो तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो राहुल त्रिपाठी को शायद अभी भी चांसेस ये ना लोग दे, रजत भाईचार जो है वो खेल सकते हैं। ये सीनरी जो है आपको ध्यान में रख के चलना है, अगर राहुल त्रिपाठी खेलता है तो आप ले लेना। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे लिटन दास को जो है पिक कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन में, तो कैप्टन जो है साकिब गुनवा, जिस तरह का जो है वो प्लेटफॉर्म अभी है और जिस तरह का ग्राउंड भी है उसके हिसाब से साकिब को जो है बहुत ज़्यादा मदद यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि वाइस कैप्टन आपके किसको बना चल सकते हो, तो मेहदी हसन का फॉर्म जो है इतना बढ़िया चल रहा है तो आप जो है वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इनको पिक करके चलो। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टीम प्रीव्यू का, देख सकते हो आप टीम प्रीव्यू, और आप इस टीम के साथ कोई भी जो है वो मैचेज आप खेल सकते हो, कोई भी लीग खेल सकते हो। इसलिए आपको ऑर्बिट में चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप का जो नंबर है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।